स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल क्लास थ्री आज चैप्टर थ्री मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास थ्री को हाउसिंग एंड क्लोथिंग क्लोथिंग ठीक है अब मैं यहाँ से स्टार्ट करी वरना वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन ए हाउस प्रोटेक्ट आस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन एंड विंड सबसे पहले तो हम घर हमारे सभी के लिए रहने के लिए होते हैं घर हम लोग घर किस लिए होता है घर हमारे रहने के लिए ज़रूरत होती है और घर हमें हीट यानी गर्मी कोल्ड ठंडा रेन बारिश और विंड मिस तूफानों हवा हवा जो चलती है इन सबसे घर हमारी रक्षा करते हैं डरिंग समर टाइम सन साइन ब्राइटली वी फील कम्फर्ट इन आवर होम जब गर्मी के समय में सूरज बहुत तेज चमकता है तब हम लोग अपने घर में कंफर्टेबल कंफर्ट महसूस करते हैं वेन इज द फ्रीजिंग द फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर वी फील वाट आवर होम वेन इज रेनिंग आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन और जब ठंडी पड़ती है बाहर में तब हम लोग को घर ही हमको गर्म कर गर्म रखती है और जब बारिश होती है बारिश के बारिश से बचने के लिए हमें घर की जरूरत होती है कि घर में रहने से हम बारिश में नहीं भीगेंगे नॉट ओनली ह्यूम्स विंग ऑन लिविंग थिंग्स ऑन लिविंग नीड नीट एंड हाउसेज टू लिव इन द हाउसेज प्रोटेक्ट आर्स फ्राम वाइल्ड एनिमल्स थीप्स थीप्स एनिमेस और सच अदर थिंग्स घर जो होते हैं सिर्फ हमारे लिए मनुष्य के लिए ही ज़रूरी नहीं होते जितने भी लिविंग थिंग होते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं इंसेक्ट होते हैं उन लोगों के लिए भी घर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए भी घर होना बहुत ही ज़रूरी होता है उन सब सभी अपने अपने घर में रहते हैं और घर हमारी किस चीज़ से रक्षा करते हैं घर हमारे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों चोर डे डुओं से भी हमारे घर हमारी रक्षा करती है वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इन डिफरेंट प्लेसेस हाउस आर डिफरेंट सेप्स एंड साइज इन मे वी बेंगलो हाउस बोट फ्लैट और और ए हार्ट आवर हाउस की पास सेफ घर कई तरह के होते हैं कुछ घर बड़े होते हैं कुछ घर छोटे होते हैं जैसे कि बंगला हाउस बोट जो नाव की ना, नाव न, नदी में जो घर बनते हैं हाउस बोट कुछ फ्लैट होते हैं बड़े बड़े कुछ झोपड़ी और जिस तरह भी घर हो हम घर हमारी रक्षा करते हैं हमको सेफ़ रखती है सुरक्षित रखती है ए हाउ गुड हाउस अब अच्छे हाउस की क्या क्या रूल होने चाहिए किस तरह के होने चाहिए उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे मैनी थिंग्स आर नीड टू मेक ए गुड हाउस ए गुड हाउस इज क्लीन कम्फर्टेबल एंड सेफ एंड एस इनफ इस्पेस फॉर द रेसिडेंट्स टू लिव अच्छी घर की जरूरत अच्छी घर की ज़रूरत सभी को होती है जिस घर में हम लोग साफ सफाई अपने आप को कम्फर्टेबल सेफ और जगह उस घर में हमारे लिए जगह भी हो जितनी हमको जरूरत हो उससे ही घर कहा जाता है ठीक है ए गुड हाउस हैफिश सन लाइट डेट किल्स जम्प्स इन द हाउस देयर शुड बी इनफ विंडोज एंड अदर्स ओपन स्पेस इन द हाउस टू लेट द सन लाइट इन सबसे पहले तो हमारे जो घर है उन घरों में सूरज का प्रकाश आना चाहिए क्योंकि जो जम्प्स हो गए उस सूरज की किरण से जम्प्स मर जाते हैं और हमारे घर के जो विंडोज़ हो गए उनमें स्वच्छ हवा घर के अंदर आना चाहिए और सूरज की किरण भी आना है बहुत ही जरूरी होती है इसलिए हमारे घर में एक डोर और एक विंडोज़ होना एक दो विंडोज़ होना बहुत ही जरूरी है ठीक है देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए बारंडा एंड कॉर कॉर याड कॉर याड टू लेट द स्पेस एयर इन फिर फ्रेश एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ और हमारे जो घर में बारांडा हमारे घर में खुला आंगन होना चाहिए बारांडा होना चाहिए जिससे फ्रेश मतलब ताज़ी हवा हमारे घर के अंदर हो आनी चाहिए और ताज़ी हवा हवा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है ठीक है ए हाउस शुड बी वेल प्लान डिडीजेन सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस ऑल द ड्रेन शुड बी कवर्ड और हमारे घर में जो है जितने भी गंदे पानी हो मतलब गंदा पानी जो निकलता है घर से उसे एक ड्रेन में मतलब गंद उस पानी को निकालने के लिए एक पाइप बना होना चाहिए जिस नाला बना होना चाहिए ड्रेन ड्रेन के लिए ड्रेन में नाला का पानी जाए और ड्रेन जो है हमेशा ढका होना चाहिए डटी वाटर इज़ अनकवर ड्रेन आर होम फॉर मॉस्किटो अगर वो पानी ड्रेन का पानी जो जिसमें जाता है ड्रेन का पानी ऊपर से अगर ढका नहीं होगा तो उसमें बहुत सारे मॉस्किटो यानी मच्छर हो जाएंगे और मॉस्किटो डिज़ीज़ लाइक डेंगू एंड मलेरिया और उन्हीं मॉस्किटो को हमारे हमें काटने से हमें डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है ठीक है किचन एंड बाथरूम आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हाउस द हाउस द फ्लोर्स Of the kitchen and bathroom should be made in such way so that what water flow usually the the drains is should be covered और किचन और जो बाथरूम होते हैं वो हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सॉरी हमारे बॉड घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं यानी जगह होते हैं इसलिए इन किचन और बाथरूम का जो फ, फ्लोर होगा उन्हें हमें हमेशा साफ रखना चाहिए उनमें पानी नहीं गिरा के रखना चाहिए अगर पानी गिरा रहेगा तो हम लोग स्लिप खा के उसमें वहाँ पे गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है इसलिए उस जगह को हमेशा हमें साफ़ रखना साफ रखना चाहिए और ड्रेन जो होता है ड्रेन को हमेशा कवर करके ही रखना चाहिए डट ड्रेन डट डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउस मस्ट बी ओपन एवरी मॉर्निंग टू लेट इन फ्रेश एयर डोर्स एंड विंडोज़ शुड शुड हैव वायर नेटिंग टू एवॉयड फ्लाइज एंड मॉस्किटो और जो हमारे घर के विंडोज़ और खिड़की होंगे हुए हमें हमें वो उस हमें हमेशा सुबह खोलने चाहिए ताकि सुबह की जो ताज़ी हवा हो वो हमारे घर के अंदर आए और हमारा घर जो है हमारे हेल्थ ताज़ी हवा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है ठीक है और हमें जा हो सके तो हमारे दरवाज़े हमारे खिड़की जो है खिड़की पे नेटिंग का यूज़ करना चाहिए ताकि मच्छर और फ्लाई मक्खियाँ हमारे घर के अंदर ना ढुक सके ठीक है कीप द बाथरूम एंड टॉयलेट डोर क्लोज एट ऑल टाइम्स दिस फ्रेगमेंट्स जम्प्स फ्राम spreading इन द हाउस और बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है बाथरूम एंड टॉयलेट का जो दरवाज़ा होता है हमेशा बंद रखना चाहिए जब हमें उसका यूज़ हो तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए उसके बाद उसे हमेशा बंद रखना चाहिए इस बंद इसलिए रखना चाहिए जो उसके jumps जो होते हैं वो हमारे घर के अंदर ना आ सके ठीक है आज हम आपको पार्ट थ्री का क्लास मतलब चैप्टर थ्री का पार्ट वन आज यहाँ तक आपको हम पढ़ा दिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको पार्ट टू पढ़ाएंगे ठीक है आप ऐसा करती हूँ जो आपको मैंने आपको कुछ चैप्टर समझाया हाउसिंग एंड क्लोथिंग आपको समझ में आ गया होगा ओके थैंक यू